स्टूडेंट्स और यहाँ मौजूद मौजूद मेहमान कराम, अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं स्कूल इंतजामिया को, बच्चों को और बिल्कुल पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश करूँगा कि आज जिनके बच्चों ने मिशन लिए हैं, क्योंकि मैं कुछ तफ़ी से यहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने एक टेक्नोलॉज देखा है कश्मीर के हवाले से। मैं समझता हूँ कि ये सबसे अहम, मेरी नज़र में सबसे अहम टेक्नोलॉजी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे सोशल मीडिया के हसार में हैं, वो सोशल मीडिया से, मोबाइल से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, और यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी से जो मकसदियत है वो तेज़ी से कम होती जा रही है। तो ये इदारे, यहाँ मौजूद जो टीचर साहबान हैं, स्टाफ है, पूरी मैनेजमेंट है, मैं समझता हूँ कि उनको ज़रूर मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने इस किस्म के बच्चों को तरबियत दी, उनको बताया कि मसला कश्मीर है क्या। तो मेरी गुजारिश होगी कि हमने अभी तक उन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए खुल के तालियां नहीं बजाई, तो एक दफ़ा इनके सब के लिए ज़रा तालियां बजा दें कि उन्होंने कितना एक अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। और यहाँ के वालदैन बैठे हैं तो मैं सर मुख्तसर एक गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से है, मुझे कैमरे के सामने बोलना ज़रा अच्छा लगता है, डाइस पे तकारीर ये सियासी लोगों का काम है, या राजा साहब आएंगे चले वो अपने फरमुदात हमारे सामने रखेंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि कैमरे के जरिए, कलम के जरिए अपने ख्याल का इजहार करूँ। तो एक गुजारिश मैं यहाँ जरूर करना चाहूँगा कि आजकल जो पेरेंट्स हैं, मैं हूँ, आप हैं, हमारे लिए चैलेंजेस बड़े अलग से हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए शायद इतने चैलेंजेस नहीं थे जितने के अब हैं। उस वक्त बड़े से बड़ा हमें हुक्म ये होता था कि बस मगरब से पहले अपने घर आ जाना, लेकिन अब बच्चा भले पूरा दिन बाहर ना निकले, अपने कमरे में मौजूद है और उसके पास मोबाइल है तो वो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। तो मैं बिलखसूस यहाँ जो माएँ बैठी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रा बच्चे को बिजी रखने के लिए उसके हाथ में मोबाइल ना पकड़ा दिया करें, बल्कि ये देखें कि वो क्या क्या राय देख निकाल रहा है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।